नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिस्टर नदीम लाइफ ऑफ उत्तराखंड में। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं जनपद दर्शन, जिसमें हम आपको बताएंगे प्रत्येक जनपद के बारे में डिटेल से, मैप के माध्यम से एक एक चीज़ डीप से समझाने वाले हैं। उस जनपद के इतिहास, भूगोल, प्रमुख पर्यटन स्थल, मंदिर, झील, ताल, झरने, जो भी अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे उस जनपद से संबंधित, प्रत्येक चीज़ मैप के माध्यम से आपको समझाया गया। तो शुरुआत करते हैं हम चंपावत जनपद से। आज हम चंपावत जनपद के इतिहास और यहाँ के जो प्रमुख पर्यटन स्थल है, प्रमुख मंदिर के बारे में समझाएंगे। चंपावत का मैप। चंपावत के मैप में चंपावत उत्तर में पिथौरागढ़ से अपनी सीमा साझा करता है, अल्मोड़ा से सीमा साझा करता है, दक्षिण में उधम सिंह नगर से अपनी सीमा साझा करता है, पूर्व में एक देश से सीमा साझा करता है, नेपाल से सीमा साझा करता है, और पश्चिम में नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से अपनी सीमा साझा करता है। चार डिस्ट्रिक्ट से और एक देश से चंपावत अपनी सीमा साझा करता है। चंपावत जिले का भौगोलिक क्षेत्र। जिले की स्थापना 15 सितंबर 1997 में, का जो मंडल है कुमाऊं मंडल है, पहले पिथौरागढ़ का हिस्सा हुआ करता था, बाद में इसको 15 सितंबर 1997 में अलग जिले के रूप में स्थापना की गई। अक्षांश रेखा इसकी 29 डिग्री 5 से 29 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश रेखा है। देशांतर रेखा इसके 79 डिग्री 59 से पूर्वी देशांतर से 80 डिग्री 3 पूर्वी देशांतर। चंपावत जिले का क्षेत्रफल है 1766 वर्ग किलोमीटर। सबसे उत्तराखंड राज्य का सबसे छोटा जिला है चंपावत जिला। जिले का क्षेत्रफल है 1766 वर्ग किलोमीटर। कुल जनसंख्या 2001 के अनुसार चंपावत जिले की जनसंख्या थी 224,542, जिसमें पुरुषों की संख्या थी 111,084, महिलाओं की जनसंख्या थी 113,458। 2011 में यह जनसंख्या 259,648, जिसमें पुरुषों की जनसंख्या हो गई 131,125, महिलाओं की जनसंख्या हुई 128,523। लिंग अनुपात 2001 के अनुसार 1,000 पुरुषों में 1,024, 2011 में यह घटकर 1,000 पर, तो 2001 के अनुसार 126 प्रति वर्ग किलोमीटर में। 2011 में जनसंख्या घनत्व 147 प्रति वर्ग किलोमीटर। नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 2011 के अनुसार 14.70%। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 2011 के अनुसार 85.23%। जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर हुई है 1991 से 2001 में 17.56% की। जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर 2001 से 2011 तक है 15.63%। चंपावत जिले की शासकता 2001 में यह 70.4% थी, जिसमें पुरुष थे 87.3%, महिला थी 54.2%। 2011 में यह हो गए 89.83%, पुरुषों में जिसमें पुरुष हो गए 91.61%, महिला होगी 68.5%। तहसीलों की संख्या चंपावत में 5 तहसीलें चंपा, पाटी, पुनागिरी, लोहाघाट, बाराकोट। ब्लॉक की संख्या 4 है, चंपावत, लोहाघाट, बाराकोट, पाटी। विधानसभा क्षेत्र चंपावत में 2 हैं, चंपावत और लोहाघाट। अनुसूचित जाति SC की जनसंख्या 2011 के अनुसार 47,383, अनुसूचित जनजाति ST की जनसंख्या 2011 के अनुसार 1,339। ऐतिहासिक नगर चंपावत 953 ईस्वी से 1553 ईस्वी तक चंद राजाओं की राजधानी रहा। 15 सितंबर 1997 को इसे जिला बनाया गया। चंपावत का प्राचीन काल में कुम्भ नाम से जाना जाता है। चंपावती नदी के तट पर होने के कारण इसे बाद में चंपावत कहा जाने लगा। चंपावत की जलवायु समशीतोष्ण है। यह उत्तराखंड की सुंदरतम भूभाग में से एक है।
चंपावत भगवान विष्णु के कुर्म अवतार की शिला कांदेव बानर राजा बलि द्वारा स्थापित बालेश्वर मंदिर चंद राजाओं की राजवंश की राजधानी के अवशेष स्कंदगुप्त में वर्णित बौद्ध तीर्थ के लिए प्रसिद्ध रहा है। बाराही धाम पूर्णागिरी का ही एक पीठ है जहाँ चंपादेव व ललित ध्वजा महाकाली की प्रतिष्ठा चंद राजाओं द्वारा 12वीं सदी में कराई गई थी। चंपावत जिले में स्थित पूर्णागिरी शक्तिपीठ देश में स्थित 108 शक्तिपीठों में से एक है। चंपावत में स्थित श्यामाताल अपने झूला मेले के लिए प्रसिद्ध है। श्यामाताल कहाँ है? चंपावत में अपने झूला मेले के लिए प्रसिद्ध है। नदियाँ, चंपावत में काली नदी बहती है जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। झील ताल, इसमें झील ताल है चंपावत में, श्यामा ताल और झीलमिल ताल। मेला महोत्सव, मेला महोत्सव चंपावत के महानेश्वर मेला, लाडी दूरा मेला, श्री पूर्णागिरी मेला, बघियाल मेला। सबसे कम विधानसभा सीट में चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर में दो दो विधानसभा सीट हैं। सबसे कम ग्राम पंचायत वाला जिला चंपावत, 283 ग्राम पंचायत है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला चंपावत 1766 वर्ग किलोमीटर है। उधम सिंह नगर पिथौरागढ़ के बाद नेपाल को स्पर्श करने वाला जिला चंपावत है। नैनीताल जिले के बाद सर्वाधिक वन आच्छादित जिला 2011 में चंपावत 66.87%। अनुसूचित जाति SC वाला जिला 2011 के अनुसार चंपावत है जिसमें 47,383 SC लोग हैं, अनुसूचित जाति है। छोटे रेल लाइन का टर्मिनल स्टेशन टनकपुर चंपावत में है। किसकी आकृति गोल है? तो ताल चंपावत। जड़ी बूटी विपण की स्थापना हुई टनकपुर चंपावत में। प्रसिद्ध ऊनी वस्त्र उद्योग चंपावत में।